गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म हाउस से आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक नई वीडियो नए मटेरियल के साथ, जो कि हमारी डे टू डे एक्वाकल्चर एक्टिविटी में बड़ा इम्पैक्ट करता है। जैसे आजकल हमारा बारिश का मौसम हो रहा है, तो हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं फार्मिंग में और हमें क्या क्या अपने लाइन ऑफ आइटम या एक्शन आइटम करने चाहिए उन प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और अपने कमेंट्स लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और सब्सक्राइब कीजिए पीवीआर एक्वा चैनल। दोस्तों, जैसे बारिश होती है या जैसे भी हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, गर्मी से सर्दी हो, सर्दी से गर्मी हो, मेनली बारिश में जैसे बारिश होती है, तो सबसे पहले आपका टेम्परेचर, ऑक्सीजन, पीएच, एल्कलिनिटी, सैलिनिटी, सारे पैरामीटर आपकी वाटर बॉडी के डिस्टर्ब हो जाते हैं। फाइटोप्लांक्टन्स क्रैश होने शुरू हो जाते हैं, आपका ऑर्गेनिक मटेरियल एक्यूमुलेट होने लगता है आपके पॉन्ड पे, टॉक्सिक लेवल्स हाइड्रोजन सल्फाइड इंक्रीज होने लगता है। तो देखिए, एक बारिश के कारण कितने सारे वाटर पैरामीटर्स, और जो कि मछली का हैबिटेट केवल पानी है, तो सारे इम्पैक्ट्स होने लगते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ना, हमारे जो हमारे आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं या यूजफुल बैक्टीरिया है, उनको रिप्लेस करने लगते हैं। आपकी जो बारिश की नॉइज है वो सरफेस पे आपके मछलियों को स्ट्रेस में लाना शुरू कर देती है, फीड कंजप्शन मछलियाँ ड्रॉप कर देती है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है मछलियों ने 30% तक फीड कंजप्शन डिप कर दिया। जैसे अगर टेम्परेचर आपका अगेन बढ़ता है, तो सडन मैसिव बैक्टीरियल ब्लूम क्रिएट हो जाता है आपकी वाटर बॉडी पे, ड्यू टू ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है जो आपके उसमें। तो दोस्तों, एक बारिश के कारण आप देखिए कितने सारे आपके फिजिकल चेंजेस आपके पूरे वाटर बॉडी में हो गए हैं। अब हम इनको कैसे रिमूव करें और हमें क्या क्या लाइन ऑफ एक्शंस लेने चाहिए जिससे कि हमारी मोर्टिलिटी, क्योंकि जब ये सारे चेंजेस होते हैं, हमारी मोर्टिलिटी ऑब्जर्व स्टार्ट हो जाती है और फार्मर्स को हमारा काफ़ी लॉस होता है। तो केवल टाइम हमारे वाटर पैरामीटर मेंटेन रखें हम किसी भी कंडीशन में, हम जिससे मोर्टिलिटी मिनिमाइज करें और फार्मर का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करें। तो हम अब 4-5 टॉपिक में आपको बताता हूँ जो हम एक्टिविटी करें इस ड्यूरेशन में, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिससे कि आपकी मोर्टिलिटी ना हो और फार्मर्स को प्रॉफिट हो। दोस्तों, जैसे भी आपकी बारिश स्टार्ट हो या मौसम चेंज हो, आप बाय डिफॉल्ट अपने सारे एरिएटर्स ऑन कर दीजिए। हमें अपनी वाटर बॉडी में नॉर्मल के अगेंस्ट मोर देन 20-30% ऑक्सीजन एनहांस करना पड़ेगा फॉर बेटर ग्रोथ और सर्वाइवल ऑफ द फिश। तो फर्स्ट थिंग, एरिएटर ऑन, हमें कुछ भी करके 20-30% ऑक्सीजन का लेवल हाई रखना है अपने पॉन्ड में। जैसे बारिश हो, अगर हमारे फिजिबल है, तो हमें जो उसका एक्सेस फ्लो है वाटर का, वो हमें उसमें से पानी को फ्लो कर आउट कर दे अपने वाटर बॉडी में से, अगर पॉन्ड कल्चर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप टैंक कल्चर कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी आपके कवर्ड होंगे, उसमें तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होती। ये मेन प्रॉब्लम जो हम पॉन्ड कल्चर करते हैं उसमें आते हैं। अगर हम अपने पॉन्ड को ऐसे डिजाइन करें कि जहाँ पे जब एक्सेस बारिश हो, तो जो हम उसका ओवर फ्लो है उसको वहां से निकाल पाए। हम अपना पीएच ड्यूरिंग रेनफॉल मीजर चेक करते रहें। पीएच की आप चाहे वाटर टेस्टिंग किट ले लें, चाहे पीएच मीटर ले लें, अमेजोन पे रेडली अवेलेबल रहती है। अगर आपका पीएच मिनिमम हो रहा है, तो एकदम हम उसमें लाइम ऐड करें अपने पॉन्ड में। और हमें पीएच वेरिएशन होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो मॉर्निंग और इवनिंग में। और नॉर्मली हमारा 7.5 से 8.5 पीएच हमारा बेस्ट है फॉर एक्वाकल्चर ग्रोथ। अगर हमारा पीएच आपका ग्रेटर देन 11 जा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट समझ लीजिए एल्कलिनिटी डेथ हो जाएगी, और पीएच मिनिमम 4 पे आ गया है तो एसिडिक डेथ हो जाएगी। तो पीएच का बहुत बड़ा रोल है हमारे एक्वाकल्चर में। हमें फीडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए या मिनिमाइज कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अगर फीडिंग हम कंटिन्यूस रखते हैं, तो वो डाइजेशन प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी डिप है और किसी भी एक्टिविटी के को
करने के लिए, मछली को इवन स्विम करने के लिए, फीडिंग करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। तभी मैंने बोला पहला पॉइंट हम एरिएटर ऑन कर दें जिससे एक्सेसिव ऑक्सीजन हमारा रेडीली अवेलेबल रहे। जैसे हम फीडिंग करें हम एकदम उसके परसेंटेज 50-40% डिप कर दें फीडिंग में। फीडिंग में हम विटामिन सी और नमक NaCl ऐड करें अपनी मछलियों के लिए वाया लीफ 52 बाउंडर, क्योंकि विटामिन सी आपका स्ट्रेस रिलीवर है, इम्यून स्ट्रॉन्ग करता है, और जब इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं स्पेशली इन कैट फिश में तो उसको नेचुरल विटामिन सी नहीं मिल पाता। एक्सटेंसिव फार्मिंग में तो विटामिन सी वो नेचुरल बॉडी से ले लेता है। और हमारे जब बारिश होती है तो हमारे जो फाइटोप्लांकटन क्रैश हो जाते हैं जो कि नेचुरल फीड है अपनी फिश का, तो हमें जैसे बारिश मिनिमाइज हो गई है या उसके रेमेडी के लिए हमें वो दोबारा क्रिएट करने हैं। दोबारा क्रिएट करने के लिए हम अपने पॉन्ड को दोबारा से फर्टिलाइज करें। फर्टिलाइज में हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करें, उसको एरिएशन दें और तब उसको हम ब्रॉडकास्ट करें अपने पॉन्ड में नेचुरल फीड डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों ये 4-5 एक्टिविटी आपको अपनी बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ एक्वा कल्चर और स्पेशली इन द रेनी डेज हमें मेंटेन रखनी चाहिए टू अवॉइड द मोर्टिलिटी इन एक्वा कल्चर। तो दोस्तों अपने कमेंट्स मेंशन कीजिए क्या आपको ये वीडियो कैसी लगी, और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाइए फिश फार्मिंग के। थैंक यू।